बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमने जो है वो डिवाइड करना जो है वो सीखना है। जैसे एग्जांपल में हमें क्वेश्चन दिया गया है, अपनी डिवाइड करना है 876,986 बाय 24, राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आल्सो। तो इसके लिए जब हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से जो है वो डिवीजन के साइन में जो है वो डिवाइडेंड को इनर साइड पर राइट करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास कहलाती है डिवाइडेंड, और आउटर साइड वाली वैल्यू कहलाएगी डिवाइजर, जिसका हम टेबल रीड करेंगे। उसके बाद है जो आंसर ऊपर राइट करते हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चन, और जो नीचे बाकी बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसी तरह से जो है वो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 7 हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 346,758 को डिवाइड करना है आपने 45 पे। तो पहले आप इस तरह से इसको राइट करेंगे, डिवाइडेंड को इनर साइड पे और डिवाइजर को आउटर साइड पे। तो यहाँ पे 45 का टेबल तो नहीं आता, तो इस वजह से जो है वो हम 45 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हम जो है वो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। 40 यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स को इनर साइड पे कंपेयर करेंगे। अगर तो वो ग्रेटर होंगे इस वैल्यू से तो फिर हम 2 डिजिट्स ही लेंगे, अगर लेस होंगे तो फिर हम 3 डिजिट्स लेंगे। तो यहाँ पे 34 लेस है, तो इस वजह से हमने पहले 3 डिजिट्स को जो है वो डिवाइड करना है। अब यहाँ से हमने 5 को जो है वो इग्नोर करना है और इधर से 6 को, तो 4 का टेबल जो है वो आपने रीड करना है कि हमारे पास 34 या फिर उससे लेस वैल्यू आ जाए। तो 4 7 28 और 8 4 4 8 32, तो 8 से हम जो है वो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या इसके इक्वल या फिर इससे लेस वैल्यू आती है। 8 5 40, तो 40 का क्या आएगा, 0 4 कैरी। 8 4 34 प्लस 4 36, ये बढ़ गई है 360 जो है वो 346 से ग्रेटर है। तो जब बढ़ जाएगी तो हमने उससे 1 डिजिट पीछे चले जाना, यानी कि यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम किससे करेंगे, 7 से। 7 5 ज़ार 35, 35 का आएगा 5 एंड 3 कैरी। 7 4 ज़ार 28, 28 प्लस 3 31, तो ये उससे लेस है। तो इसमें अब हम जो है वो इसको राइट कर सकते हैं। जितने टाइम्स आप टेबल रीड करेंगे, वो टेबल आपने जहाँ तक डिवाइड किया है उस वैल्यू के एग्जैक्टली ऊपर जो है राइट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 45 7 ज़ार 315। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेट होगा 1, 4 माइनस 1 वी गेट 3, 3 माइनस 3 0, तो ये 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो 1 डिजिट को नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 317, तो ये हमें ऑलरेडी जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ 7 से, ये उसके नियर ही है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगी, तो इसमें हमने अगेन यही वैल्यू यूज़ करनी है, 45 7 ज़ार 315। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 5 माइनस 5 वी गेट 2, 1 माइनस 1 वी गेट 0, 3 माइनस 3 वी गेट 0। तो लेफ्ट साइड पे अगर वैल्यू के 0 हो तो वो राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अब नेक्स्ट 1 डिजिट फिर नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 45 1 ज़ार 45, तो 45 जो 25 से बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू का टेबल तो हम नहीं रीड लिख सकते, तो इस वजह से जो है हम 45 को टेबल जो है वो 0 टाइम्स रीड करेंगे। तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 0 ही आती है आंसर। सो 45 0 ज़ार 0, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन 25 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट 8 लास्ट डिजिट है, इसको नीचे ले आएंगे। अब हमने 45 का टेबल रीड करना है उसी तरह से कि यहाँ पे हम 5 को इग्नोर करेंगे तो इधर 8 को इग्नोर कर देंगे। 4 का टेबल रीड करें कि हमारे पास 25 या फिर उससे लेस वैल्यू आ जाए, तो 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24,
फोर। तो सिक्स से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आया इससे लेस वैल्यू आती है या फिर ग्रेटर। सिक्स फाइव ज़ा 30, 0 आएगा और 3 कैरी। सिक्स फोर ज़ा 24 और प्लस 3 27, ये वैल्यू बढ़ गई है। तो इट्स मीन अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 आएगा एंड 2 कैरी। 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, तो अब ये 5 8 के ऊपर राइट होगा। 45 5 ज़ा 225। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 माइनस 5 वी गेट 3, 5 माइनस 2 वी गेट 3, 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे अब आपने क्वोशेंट जो गेट किया है वो राइट करेंगे। तो हमने क्वोशेंट गेट किया है 7705 और रिमाइंडर हमने गेट किया है 33। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 इसी तरह से जो है वो आप सॉल्व करेंगे।